नमस्कार सर, इस कोरोना काल में एक चीज मुझे समझ में आया है कि जिस तरह से मार्केट 6 महीने के अंदर रिकवर होके लाइफ टाइम हाई पे चला गया, तो मुझे ये लगता है कि जब जब मार्केट 10% से ज्यादा डाउन हो तो ये डाउन होता नहीं है, इसको किया जाता है डाउन। तो मार्केट में अगर बोलते हैं कि मंदी आ गया तो ये आता नहीं है, इसको लाया जाता है। जो टॉप के 2% बिलियनर हैं वो मंदी लाते हैं, वो मार्केट को गिराते हैं। तो कभी भी आपको 10% से ज्यादा मार्केट गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गिर रहा है, इसका मतलब यह है, आपको मन में सोचना है कि इसको गिराया जा रहा है जानबूझ के। हर्षद मेहता कभी मरा नहीं है, वो हमेशा हर काल में जिंदा रहता है। तो यहाँ 2% व्यक्ति जिनके पास 98% का पैसा सब इनके पास है तो वो मार्केट को गिराते हैं। तो जब जब 10% से ज्यादा मार्केट गिरे तो आपको खरीदना है, मैं खरीदूंगा राजू चौधरी। जब जब मार्केट 10% से ज्यादा गिरेगा और मेरे अकाउंट में अगर सेविंग अकाउंट में पैसा होगा तो मैं सारा अकाउंट खाली करके इन्वेस्ट कर दूंगा। और ऐसा मैं करता आया हूँ, पहले भी करता आया हूँ, पर मुझे ये इतना लॉजिक पता नहीं था कि जानबूझ के गिराते हैं। बस ये सोचता था कि मार्केट गिर रहा है, पर अब मैं ये सोचता हूँ, अब मैं ये जानता हूँ कि इसको गिराया जाता है। क्योंकि मैं एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को सुन रहा था तो उन्होंने ये कहा था, मार्केट गिरता नहीं है, इसको गिराया जाता है। मार्केट क्रैश नहीं होता, इसको क्रैश किया जाता है। जब ये लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा मन में, तो आपको भी उसी के साथ चलना है। इन्होंने मार्केट गिराया, ठीक है, अब गिरने के बाद क्या करेगा? फिर से पैसा सारा को सारे का सारा पैसा पुट करेगा, तो हम भी उसके साथ पुट कर देंगे पैसा। तो ऐसा अगर हम 15 साल करते रहेंगे तो फास्टर वे में हम मिलियनर बन ही जाएंगे। मैं बन गया हूं, कोई भी बन सकता है, इससे भी फास्टर वे में बन सकते हैं अगर इसके इस खेल को हम समझ लें। थैंक यू सो मच।